बालाघाट जिले की बैहर तहसील से वृक्षों की अवैध कटाई का मामला प्रकाश में आया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सामान्य बैहर के अंतर्गत परसा टोला बीट में सागौन के वृक्षों की भरमार है, लेकिन कुछ दिनों से बीट गार्ड के संरक्षण में सागौन की अवैध कटाई की जा रही है, जिसकी शिकायत पत्रकार अनिल वलके बैहर के द्वारा की गई थी। शिकायत करते ही वन विभाग हरकत में आ गया और स्वयं वन परिक्षेत्र अधिकारी ने मौका स्थल पर पहुंचकर जांच किया, जिसमें 25 नग सागौन के डूट पाए गए, साथ ही अन्य वृक्षों की भी कटाई का मामला पाया गया, जो पूरी तरह से बीट गार्ड की लापरवाही प्रतीत हो रही है। अब देखना यह है कि सागौन के अवैध कटाई की जांच पर किस प्रकार की कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से अवैध कटाई करने वालों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है। बैहर से राजा सोनवाने की रिपोर्ट। किया गया पंचनामों में 25 पेड़ों का जो कटाई की गई है, बेशकीमती पेड़ है और ऐसे पेड़ों की कटाई की गई है, क्या जांच जो जांच में पाया गया सर, उसमें कह रहे हैं आप नहीं पाया गया? नहीं, जांच देखिए, जो पंचनामा में लिखा हुआ 25 नग हो चुकी है, लेकिन इतने भारी मात्रा में और जिस तरह से गोलाई के हिसाब से अगर मैं आकलन करूँ तो मुझे ये लगता है कि ग्रामीणों द्वारा अपनी निस्तार या फिर अन्य उपयोग के लिए उसकी कटाई की गई थी, और क्योंकि भारी मात्रा में मुझे फूट दिखाई नहीं दिए, सिर्फ 25 हैं जिसमें से हाल फाल के अधिकतर हैं, कम से कम 15, और सागौन के भी हैं, पोल हैं जिसमें काष्ट भी है, तो मेरे हिसाब से तो ग्रामीणों के द्वारा ही किया गया। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से पाया गया, आप मौके पर देख रहे हैं? संबंधित बीट गार्ड को इसके संबंध में SCM दिया है और सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी दी जाएगी कि वो अपना कार्य कुशल पूर्वक करें, अन्यथा उनके भी कार्य।